दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल वीडियो में। यदि आप एडसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और आपका एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने 5 बिंदु हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले वेबसाइट की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, जैसा कि ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब ये सिंपल है क्योंकि कस्टम वेबसाइट है। आप या तो चाहते हो परचेज भी कर सकते हैं, हाई वेबसाइट जो हाई अथॉरिटी रहती है, जैसा न्यूज़पेपर वेबसाइट, इसका डेमो देख सकते हैं आप हिंदी में .net इसने यूज़ किया हुआ है। आप इस तरह से वेबसाइट की डिज़ाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये परचेस कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी करना हो। और यूज़र फ्रेंडली मतलब कि आपके जो यूज़र रहेंगे, आपकी वेबसाइट को ओपन करेंगे मोबाइल डिवाइस में या कंप्यूटर डिवाइस में, तो उसको जो नेविगेशन बार रहता है, टाइटल नेम रहता है, सब अच्छे से दिखाई दे ताकि वो समझ सके और रिस्पॉन्सिव यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में भी आसानी से चल सके, ठीक है। और सेकंड है, आपके वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस का पेज होना चाहिए, अबाउट अस का पेज होना चाहिए और डिस्क्लेमर का पेज तो होना ही चाहिए, ज़रूरी है। ये तीनों पेज आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। किसी वेबसाइट को ओपन करके देख लेंगे तो आपको सभी वेबसाइट में कम से कम ये तीन वेबसाइट के पेज तो होंगे ही। जैसे कि यहाँ पे टॉप में तो नहीं है, फूटर में होगा, फूटर में देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर तो नहीं दिया हुआ है और हमने भी अपनी वेबसाइट में ऐड किया हुआ है डिस्क्लेमर कॉन्टेक्ट अस अबाउट, तो हमारा तो ऑन हो गया, बाकियों का भी ऑन रहता है, ठीक है, ये भी ट्राई कर सकते हैं आप। थर्ड है, यूनिक कंटेंट लिखना चाहिए आपके वेबसाइट में और इन्फॉर्मेटिव, यानी कि जो भी आपके विजिटर आएंगे आपकी वेबसाइट में उसको आपकी वेबसाइट का यूनिक कंटेंट दिखाई देना चाहिए ताकि उसके काम आ सके और ऐसा लगे कि ये अलग है। चौथा है, डोंट यूज़ कॉपीराइट कंटेंट। आप किसी और की वेबसाइट से या कहीं से भी यूज़ नहीं कर सकते उसके कॉन्टेंट, चाहे फ़ोटो हो, वीडियो हो, MP3 फाइल हो या टेक्स्ट हो, किसी को भी आप अपने वेबसाइट में यूज़ नहीं कर सकते। यदि यूज़ करना है तो उसमें थोड़े बहुत बदलाव करना ज़रूरी है, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। और चौथा, यदि आप वेबसाइट को मोनेटाइज एडसेंस के लिए अप्रूवल करना चाहते हैं तो सब डोमेन के यूज़ नहीं कर सकते। सब डोमेन किसको बोलते हैं, सब डोमेन के एग्जांपल यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई वेबसाइट है www.website.com, ये डोमेन हो गया आपका, ये डोमेन हो गया, ठीक है, डोमेन नेम यहाँ से यहाँ तक। अब सब डोमेन किसको बोलेंगे, www.my.website.com, तो सब डोमेन हो गया आपका माई और ये मेन डोमेन। तो इस तरह की आपकी कोई भी वेबसाइट होगी तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपको एक डोमेन नेम यूज करना पड़ेगा। बस इतना इस वीडियो में था, वीडियो देखने के धन्यवाद। आप इस सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका मोनेटाइजेशन या एडसेंस में अप्रूवल जरूर मिल जाएगा। इतना ही वीडियो में था, वीडियो देखने के धन्यवाद।